दोस्तों आज हम एक नए संचार के मॉडल की चर्चा आपसे करेंगे जिसका नाम है सामन एंड बीवर मॉडल। सामन एक मैथमेटिशियन था और बीवर एक मैथमेटिशियन था, वैरन बीवर, क्लाउडे सामन नाम हुआ। ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये प्योर साइंस के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं। Developed this theory in their book called Mathematical Theory of Communication. उन्होंने मैथमेटिक्स की भाषा में इसको इसका वर्णन किया था। Salen and Beaver model was mathematical expression. हम जिस तरह से आपको बताएंगे उस तरह से इनकी ओरिजिनल पुस्तक में नहीं, लेकिन बाद में बिहेवियरल साइंटिस्ट ने इसको पिकअप किया और उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में, सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, संचार के विद्यार्थियों के लिए इसको सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके हमारे सामने परोसा। तो इसमें जो तत्व हैं संचार के, वह उन्होंने इस तरह से किया कि सबसे पहले एक सोर्स या स्टैंडर कहते हैं, दूसरा ट्रांसमीटर, फिर सिग्नल, सिग्नल के पास destination. Noise is also there in an indivisible form. तो इसके elements हो गए sender, transmitter, signal, receiver or audience, destination. ये दोनों Salen Beaver Baron Beaver and Claude Shannon, ये दोनों वेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम करते थे। तो उसी लेबोरेटरी में इन्होंने इसको डेवलप किया था और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डेवलप किया, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बाद में बिहेवियरल साइंटिस्ट ने इसको पिकअप किया और उन्होंने इस तरह से इस मॉडल का वर्णन किया, सेंडर, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। मतलब सेंडर ये मशीन कम्युनिकेशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन में ज्यादा लागू होता है। तो जैसे हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं, यहाँ मशीन टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम्युनिकेशन में इस मॉडल का ज्यादा उपयोग है और उससे संदर्भित भी है। कोई मैसेज जब हम किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं तो वो ट्रांसमीटर के पास जाता है और ट्रांसमीटर उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सिग्नल, वो कंप्यूटर की अपनी अलग सिग्नल होती है, उसकी लैंग्वेज होती है, टेक्नोलॉजी की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, वो हम और आप नहीं समझ सकते, उस लैंग्वेज में सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर उसको बाद में वही सिग्नल एक रिसीविंग मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक तरह का सिग्नल और रिसीवर के लिए दूसरा सिग्नल और फिर वो एक भाषा में, रूप भाषा के रूप में, सरल जो हमारी सामान्य भाषा है उसमें वो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज, टेक्नोलॉजिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर उसको रिसीविंग सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर वो सरल भाषा में कन्वर्ट होकर रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर से फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक। रिसीवर भी एक सिग्नल, एक मशीन ही, यहाँ पर रिसीवर जो है मशीन की तरह है जो सिग्नल को फिर रिसीविंग और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर ये डेस्टिनेशन यानी कि एक्चुअल रिसीवर के पास, डेस्टिनेशन के पास, ये एक अपेरेंट रिसीवर, ये एक्चुअल टेक्नोलॉजिकल रिसीवर है, एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचता है। तो ये सामन एंड बीवर में
कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस है जिसमें सेंडर ट्रांसमीटर सिग्नल रिसीवर एंड डेस्टिनेशन. सो दिस कम्युनिकेशन इज मोर एप्लीकेबल टू योर टेलीफोन कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीप्रिंटर कम्युनिकेशन वेयर देयर आर टेक्नोलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इट इज कन्वर्टेड इन टू सिग्नल्स एंड देन रिकन्वर्टेड इन टू रिसीविंग सिग्नल्स. इनकोडिंग एक तरह से आप इसको कह लें इनकोडिंग होता है जो सिग्नल में इनकोड करता है. जैसे हम लोग भी जब कुछ बोलते हैं तो हम भी अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते हैं इनकोडिंग करते हैं. हम किस तरह से इनकोडिंग करते हैं हम अक्षर को पहले जोड़ते हैं फिर वाक्यों का निर्माण करते हैं ना. राम खाता है आम ऐसे नहीं बोलते राम आम खाता है. तो हमारे दिमाग में एक सीरियलाइजेशन होता है लेटर का वर्ड्स फॉर्म होता है वर्ड्स से सेंटेंस फॉर्म होता है सेंटेंस से पूरा एक फ्लो होता है. लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी माइंड में होता है कि वो फिर हम उसको इनकोड करते हैं फिर आप मेरे लैंग्वेज को डिकोड करते हैं. छोटा बच्चा का सिग्नल धीरे होता है धीरे बोलता है वो ग्रहण भी चीज को धीरे करता है. तो वही काम यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो इनकोडर का काम करता है और ये सिग्नल और रिसीवर भी है इसको डिकोडर का काम करता है और फिर एक्चुअल रिसीवर के पास एक्चुअल ऑडियंस के पास इस प्रोसेस से जाता है. सानन वीवर ने चैनल नॉइज की चर्चा की अपने मॉडल में. अगर आप विस्तार से इसकी पुस्तक पढ़ेंगे एंड इट रिलेट्स टू चैनल नॉइज. चैनल नॉइज इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में जब वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है फिर सिग्नल में रिसीविंग सिग्नल में कन्वर्ट होता है फिर वो रिसीवर से डेस्टिनेशन तक जाता है इस बीच में टेक्नोलॉजी क्रिएट्स सम नॉइज. इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी टू मेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. इफ द टेक्नोलॉजी इज वेरी परफेक्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी योर कम्युनिकेशन विल बी स्मूथ. इफ इट इज अ लो डेफिनेशन टेक्नोलॉजी देयर विल बी मोर एंड मोर चैनल नॉइज एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर सैटेलाइट योर other mode of communication on which it is related to. So there are more possibility of channel noise. और ये सानन एंड बीवर मॉडल को मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया. सानन एंड बीवर मॉडल में भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं. इसके मेरिट्स ये हैं कि यह जो है इसमें सोर्स ये एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत दूर बैठा है ना. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मैसेज जो है सो फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. और आजकल तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से विजुअल हो ऑडियो हो या कोई भी चीज हो दूर बैठा व्यक्ति भी नजदीक हो गया. कहते हैं ना जैसा कि मार्शल मैक्लुहान ने कहा था वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज. आज पूरी दुनिया एक गांव बन गई है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. पहले कहते थे सन ऑफ हिसार और सन ऑफ पटना और सन ऑफ बिहार. अब कहते हैं सन ऑफ द सॉयल मीन सन ऑफ द ग्लोब. अब तो चांद तारे पर जाने की बात हो रही है जुपिटर पर जाने की बात हो रही है. तो दूर बैठे लोगों से संवाद करना जैसे आप वीडियो चैटिंग करते हैं तो 7-8 लोग एक ग्रुप में लगता है एक साथ बैठे बगल में. उसमें भी लोग गलती से मास्क लगा लेते हैं बगल में बैठे हैं लेकिन ऐसा है नहीं. या आपका जूम कम्युनिकेशन है या गूगल मीट कम्युनिकेशन है या वेबएक्स से स्काइप से कम्युनिकेशन या वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन उसमें भी सिग्नल की प्रॉब्लम चैनल की प्रॉब्लम. सो सानन एंड वीवर टॉक्ड अबाउट चैनल नॉइज एंड लिंग्विस्टिक बट दिस इज एंड अगेन दिस कम्युनिकेशन हैज सम प्रॉब्लम लाइक इट इज वन वे इट डजंट टॉक मच अबाउट फीडबैक. चैनल एंड वीवर मॉडल डजंट टॉक वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली अबाउट फीडबैक. दो फीडबैक इज देयर इट इज ऑल्सो ए नेचुरल प्रोसेस. And Shannon and Weaver does not talk about noise in a very comprehensive manner. Invisible noise की चर्चा की कि थोड़े से दो ही noise की चर्चा की मान लो बहुत ज्यादा विस्तार से noise की चर्चा नहीं की. बहुत तरह के noise है physical noise है psychological noise है cultural noise है बहुत तरह का noise आपने बाद में पढ़ा होगा. लेकिन Shannon and Weaver में channel noise की चर्चा है. So we criticize it that it doesn't talk about noise in a comprehensive manner and it doesn't talk about feedback. It is like it gives emphasis on one-way model of communication and it's a linear communication. So these are the critical points on which we can
कमेंट एज फार एज दिस मॉडल इज कंसर्न. सो दोस्तों,